तो हेलो दोस्तों, मैं मनु, स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल खूनीगर्स में। तो भाई आज की वीडियो का थंबनेल और टाइटल आप लोगों ने देख लिया, तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही शानदार होने वाली है। क्योंकि आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं फ्री फायर के अंदर अगर भाई आपके मोबाइल का रैम 2 GB, 3 GB, 4 GB या 6 GB है, और भाई अगर आपका हेडशॉट अच्छे तरीके से नहीं पड़ते हैं या फिर आपको एक बेस्ट सेंसिटिविटी जाननी है, तो ये वीडियो स्पेशली मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। तो भाई वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, इसके बिल्कुल भी नहीं करना है। चलो भाई बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यानी अगर आपके मोबाइल का रैम 2 GB, 3 GB, 4 GB या 6 GB है, तो भाई आपको उस टाइम पर कौन सी वाली सेटिंग करनी, जैसे भाई आपका मोबाइल स्मूथ चले और भाई आपके हेडशॉट हैं वो एकदम ओपी और एकदम मस्त तरीके से पड़े। तो भाई यहाँ पर मैं आपको जो सेटिंग और जो सेंसिटिविटी बताने वाला हूँ उसको थोड़ा ध्यान से देखना। तो भाई यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना फ्री फायर वो ओपन करना है। तो भाई यहाँ पर आप जैसी सेटिंग के ऑप्शन पर आओगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा, ठीक है, उसका नाम है क्लियर कैचे। तो भाई जब भी आप गेम स्टार्ट करते हो ना, तो उससे पहले आपको क्लियर कैचे करके गेम स्टार्ट करना है, इसको कन्फर्म कर देना। जैसे आप क्लियर कैचे वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, एक तो आएगा आपका कैंसिल वाला, एक आएगा कन्फर्म वाला। तो भाई आपको सिंपली जब भी कभी आप गेम स्टार्ट करो तो उस टाइम पर आपको कन्फर्म वाला ऑप्शन क्लिक कर देना है, आपको अपने मोबाइल के अंदर क्लियर कैचे कर देना है। अब यहाँ पर मैंने आपको फर्स्ट सेटिंग के बारे में तो बता दिया, अभी गाइस हम बात करने वाले सेकंड सेटिंग के बारे में। अब गाइस जैसे मान चलो आपके मोबाइल का रैम अगर 2 GB, 3 GB, 4 GB या 6 GB है, तो आपको उसी हिसाब से अपने मोबाइल को डिपेंड यानी वर्क करवाना है। जैसे गाइस मान चलो आप दो रोटी खाते हो, ठीक है, अगर हम आपको चार रोटी खिलाएंगे तो गाइस आपसे वो मतलब तबीयत खराब हो जाएगी। तो इसी तरीके से आपके मोबाइल की सेटिंग वर्क करती है। तो गाइस अगर आपके मोबाइल के अंदर जैसे क्या होता है, बोल्ट वाला ऑप्शन होता है, अब बोल्ट वाले ऑप्शन में गाइस आपका बहुत सारा सामान है जो कि रखा हुआ होता है। जैसे गाइस आपने सारी की सारी ड्रेस डाउनलोड की होती है, सारी की सारी गन स्किन डाउनलोड की होती है, तो आज से आपको ऐसा नहीं करना, ठीक है, इन सारी चीजों को डिलीट कर देना है। जैसे कि आप ये सारी चीजें डिलीट करोगे तो फ्री फायर का स्टोर होता है ना वो आपका खाली हो जाएगा। तो जैसे ही आपका फ्री फायर का स्टोर खाली होता है तो उस टाइम पे गाइस आपके मोबाइल अच्छे तरीके से वर्क भी करेगा, आपका फ्री फायर वो सही तरीके से चलेगा भी। तो आप लोग ये सोच रहे हो कि ये सारी चीजें हमारे लिए क्यों बता रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपका फ्री फायर के अंदर वो सारी चीजें वर्क नहीं करेंगे तो आप ना तो हेडशॉट मार पाते हो, ना ही गाइस आपका फ्री फायर लैग प्रॉब्लम खत्म हो पाता है। जब तक गाइस आपके फ्री फायर के अंदर से लैग प्रॉब्लम खत्म नहीं होगा तब तक गाइस आप किसी भी एनिमी को अच्छे तरीके से नहीं मार सकते, ना ही आप वन टैप मार सकते हो, ना ही आप बॉडी शॉट मार सकते हो। क्योंकि उस टाइम पर आपका मोबाइल है ना वो बहुत ज्यादा लैग करता है या फिर बहुत ज्यादा हीट करता है। तो भाई अगर आपके मोबाइल के अंदर से स्पेस कम करोगे तभी उसके बाद आपकी सेंसिटिविटी और भाई फायर वाला बटन वर्क करता है। तो ये तो मैंने आपको दोनों चीजें बता दी। अभी हम बात करने वाले फ्री फायर के अंदर तीसरी वाली सेटिंग की बात, यानी आपके फ्री फायर के अंदर आपको फायर वाले बटन की साइज है वो कितनी रखनी चाहिए। लेकिन उससे पहले मेरे तुम सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि देखो आप लोगों ने 350 के फैमिली तो कंप्लीट करवा दी, लेकिन अभी नेक्स्ट टारगेट है अपना 400 का। तो जब मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ करता हूं तो थोड़ा सा काम तुम्हारा भी बनता है। अब मेरे को नहीं पता आप में से बहुत सारे बंदे ऐसे भी होंगे जो कि इस वीडियो को आज न्यू देख रहे होंगे, तो भाई आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो मेरे भाई पहले तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट इसलिए कर देना, क्योंकि फ्री फायर से रिलेटेड ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ। अगर मैं जब भी कोई वीडियो डालता हूँ तो आपको मैं इजीली तरीके से समझा भी देता हूँ कि इस तरीके से आपको ये करना है वो करना है। तो जब आपके लिए मैं इतना कुछ कर रहा हूँ तो थोड़ा सा काम बनता है, ठीक है, तो यार सब्सक्राइब बटन दबा दो। मेरे को पता है अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार नीचे साइड देखो, एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आपको दिख रहा होता है, सब्सक्राइब बटन दबा देना है। तो अभी हम बात करने वाले फ्री फायर के अंदर आपकी बेस्ट फायर वाले बटन साइज क्या होनी चाहिए, जिससे आपका इजीली तरीके से वन टैप हेडशॉट या फिर वाइज बॉडी शॉट जैसे भी आप मारते हो वो अच्छे तरीके से पड़ जाएंगे, आपकी सेंसिटिविटी उसी तरीके से वर्क करती है। तो यहाँ पर आपको सिंपली अपने कस्टम मोड में आना है और यहाँ पर मैं आपको जो साइज बता रहा हूँ ना वही साइज आपको रखनी है। यानी आप में से बहुत सारे बंदे क्या करते हैं कि या तो मतलब फायर वाले बटन की साइज बहुत कम कर देंगे या फिर आप अपने फायर वाले बटन की साइज बहुत ज्यादा कर देंगे, तो आपको मिडल में रखना है, ठीक है। अब गाइस यहाँ पर मिडल क्या होगा कि आपको अपने फायर वाले बटन की साइज या तो 55 या फिर आपको 60 के बीच में रखनी है, 50, 55 या 60 के बीच, इन तीनों में से आप कोई सा भी एक फायर वाला बटन के लिए चूज कर सकते हो। आप में से बहुत सारे बंदे ये भी सोचते होंगे कि अगर हम अपने फायर वाले बटन की साइज छोटा कर देंगे तो हमारे इजीली तरीके से हेडशॉट पड़ेंगे या फिर हम वन टैप मार देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। जब तक गाइस आपका साइज अपने थंब के मतलब जो आपका थंब होता है ना उसका साइज अगर फायर वाले बटन से मैच नहीं करता है तब तक गाइस आपका ना तो बॉडी शॉट पड़ेगा ना ही हेडशॉट पड़ेगा, यानी पड़ेंगे तो सही ठीक है लेकिन गाइस आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। तो गाइस आप इतनी मेहनत करना जानते नहीं हो और ना ही आपसे होगी और ना ही मेरे से होते, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने आपको एक ही साइज बताइए, फ्री फायर के अंदर आपको अपने फायर वाले बटन की साइज 50, 55 या 60, जिससे गाइस हम अच्छे तरीके से हेडशॉट मार सकें और हमारा फायर वाला बटन हमारे कंट्रोल में रह सके। ओके, यहाँ पर मैं तुम सभी से एक बात और बोलना चाहता हूँ कि अगर आप लोग चाहो तो मेरे को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल रखी है, या आप लोग चाहो तो मेरे को इंस्टाग्राम पर सर्च भी कर सकते हो khooni.gamers। और अगर तुम्हारा कोई काम हो तो वहाँ पर तुम सिंपली मेरे को DM कर दिया करो, ठीक है, यानी आपको DM करके जो कुछ भी काम है वो कर दिया करो, क्योंकि यार मैसेज तो बहुत आते हैं तो इसलिए मैं मैसेज नहीं पढ़ पाता। तो भाई आपको सिंपली वहाँ पर मेरे को जाकर DM कर देना है और अगर हो सके तो फॉलो वाला बटन भी दबा देना। और मेरे भाई एक छोटी सी बात और कि अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब वाला बटन नहीं दबाया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना, हो सके तो अपने सारे दोस्तों के साथ आपको ये वीडियो शेयर कर देना। भाई अगर
अगर आपका मोबाइल का रैम 2GB 3GB 4GB 6GB है तो आपको कमेंट करके मेरे को जरूर बता देना कि आपके मोबाइल का रैम रोम कितना है। तो अभी के लिए बाय बाय, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी 400 के फैमिली कंप्लीट करवा देना, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डाल देना कि आपके मोबाइल का रैम रोम कितना है, ठीक है। तो अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ।